Now let us see, students, about the phenomena of interference. It is very, very important topic for the board examination. क्या होता है इंटरफ्रेंस फिनोमेना? आपने क्लास 11th में पढ़ा, when two simple harmonic wave travels and if they overlaps, और अगर उनमें overlapping होती है, then three conditions you studied in class 11th. कौन कौन सी कंडीशन? नंबर वन, इफ टू सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रेवल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, इफ दे ओवरलैप्स देन दिस गिव्स यू द फिनोमेना ऑफ स्टेशनरी वेव, राइट. नंबर टू, यू स्टडीड बीट्स. उसमें क्या था? इफ टू सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन विथ अ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, then such types of wave, if overlaps, produces beats. Now, the third condition of superposition of waves, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा कि how the waves superimpose. Now, in this type of superposition, the third type of superposition is called the interference. Now, what is interference? एक general concept की अगर हम बात करें, जब दो सिंपल हार्मोनिक वेव अगर ट्रैवल करती हैं सेम डायरेक्शन में, उनका एम्पलीट्यूड लगभग सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, और दोनों डायरेक्शन, दोनों वेव्स का डायरेक्शन सेम हो, ठीक है. और तीसरी चीज, सबसे बड़ी बात, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो. ये कंडीशंस अगर वेव्स में हैं और ऐसी वेव एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे पर मीट करती हैं, मिलती हैं, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है. तो इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन जब होगा, आपने लास्ट वीडियो में देखा, आइदर द सुपरपोजिशन इज कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, जब दोनों का फेस सेम हो, आपने देखा. डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, जब दोनों वेव्स ऑपोजिट फेस में हैं, वो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा. एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, राइट. ये आपने पिछले वीडियो में देखा. नाउ हियर, इफ टू वेव्स, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? फर्स्ट, फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी का मतलब, When they overlaps, जब दो वेव ओवरलैप करती हैं, तब हमको या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में एम्पलीट्यूड ऐड होंगे, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में एम्पलीट्यूड माइनस होंगे. एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू करंट सोर्सेस, ये बात ध्यान रखिए, सुपरपोजिशन by the light wave from two coherent sources. What is the meaning of coherent sources? Coherent sources means ऐसे sources जहाँ से इस तरह की light produce हो. किस तरह की light produce हो? What are the coherent sources? Number one, which produces the light having same frequency. दो sources तो चाहिए light produce करने के लिए, जो किस तरह की light produce करें, जो मैंने अभी आपसे starting में कहा, having same frequency. Light wave should move in the same direction. Number three, amplitude should be same or nearly same. Third point, and fourth important point is phase difference must be constant. Constant phase difference. ये चार चीज़ें होनी चाहिए students. ऐसे sources जो इन चार properties जिन light में होती है, इन lights को अगर वो produce करते हैं, ऐसे sources, then such types of sources are called coherent sources. Especially एक question आता है, what are coherent sources? तो आप क्या लिखेंगे? The sources of light which produces the light wave having these conditions, such types of sources are called coherent sources. तो interference के लिए coherent sources का होना जरूरी है. यानी अगर कोरेंट सोर्सेज होंगे तो ये सारी कंडीशंस
उसमें एप्लीकेबल होंगी। ओके, और अगर ये एप्लीकेबल हैं, इस तरह की लाइट वेव्स आगे जा रही हैं, मीट करती हैं आपस में, तो आपको सुपरपोजिशन मिलेगा। और सुपरपोजिशन में क्या होगा, या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कब होगा? नंबर वन, लास्ट वीडियो में मैंने बताया, जबकि फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, या पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू। ठीक, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। सेकंड, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कब मिलेगा? जब फेज डिफरेंस या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू हो। इन कंडीशंस में हमको या तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब है या तो एम्पलीट्यूड जुड़ जाएंगे, देखा आपने वहाँ पर, या एम्पलीट्यूड घट जाएंगे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो ये आपको चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू। ये जो लास्ट वीडियो में पढ़ा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में क्या था, फेज डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू। ये दो कंडीशन, या तो ये हो या ये हो, ये कंडीशंस होनी चाहिए, तभी कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड्स विल बी एडेड। एंड फॉर द डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, फॉर दिस कंडीशन एम्पलीट्यूड्स विल बी सब्सट्रैक्टेड। और अगर दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर हैं स्टूडेंट्स, तो ये लगभग टू ए के इक्वलेंट होगा, ये लगभग ज़ीरो होगा। ध्यान रखिए, 2A एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो। ये कंडीशंस हम आगे यूज़ करेंगे। सो नाउ इट इज़ क्लियर व्हाट इज़ द इंटरफेरेंस। नाउ वी विल स्टार्ट। नाउ वन थिंग इज़ दैट हाउ कैन यू ऑब्टेन द कोहरेंट सोर्सेज। अगर हमको कोहरेंट सोर्सेज मिल गए, तो हमको फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस मिल गया। या तो कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड जुड़ेंगे, डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड्स सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये जो फिनोमेना है, ये कब मिलेगा? जब कोहरेंट सोर्सेज हैं। नाउ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस कोहरेंट सोर्स इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। In Young's double slit experiment, we will have double slits. Wave front will be divided into two equal parts. ठीक है, सिंपल तरीके से हमको कोहरेंट सोर्सेस नहीं मिल सकते। हमने दो बल्ब ले लिए, इंडिपेंडेंट बल्ब ले लिए, 100 वाट हैं दोनों। ये दोनों हम चाहें कि ये कोहरेंट सोर्सेस की तरह काम करेंगे? नो, उनका फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम नहीं होगी। हम को सिर्फ नंबर वन, कौन सा मेथड हम पढ़ रहे हैं? यंग्स डबल स्लिट से कोहरेंट सोर्सेज मिलेंगे। कोहरेंट सोर्सेज अगर मिल गए, हमको ये सारी चीज़ें मिल गई और हमको फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस मिलेगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन a phenomena of interference by coherent sources or by Young's double slit experiment. Okay? Now, write down. Now we will study about the Young's double slit experiment. Now, first of all, see the diagram. For example, students, this is a source of light which produces monochromatic light. Monochromatic light means which produces the light having a particular wavelength, not white light. Here we are using monochromatic light of a particular wavelength, single wavelength.
Now, if this is a monochromatic light, then according to the Huygens principle, it produces wavefront. In light travels in the form of wavefront, and this is the single slit which is kept in front of it. This is a single slit kept in front of it. Let it is single slit. It is a single slit. And having a very fine hole over here. Okay. Now what happens? If it produces wavefront, these wavefront strikes with this single slit. Single slit se strike karenge. These points will act as a source of secondary wavefront banenge. Then what happens? Again you will get a wavefront like this. आपको वेव फ्रंट मिलेंगी. आफ्टर अ डेफिनेट टाइम आपको ये वेव फ्रंट मिलेंगी. नाउ अगेन पुट अनदर स्लिट. दिस इज अनदर स्लिट. ओके दिस इज लेट अनदर स्लिट. एस वन and S2. This is another slit having two holes in it. Do hole hai iske, S1 or S2. Now if this wavefront, let us consider this wavefront. If this wavefront strikes S1 as well as this wavefront also strikes S2, a particular wavefront in a particular time, this wavefront is at a definite time. और ये जो वेव फ्रंट है यही S1 और S2 से स्ट्राइक कर रही है, जो कि सेम फेस में होगी, सेम टाइम में होगी. हमने उस वेव फ्रंट को स्ट्राइक किया कहाँ? S1 और S2 पर. कोई भी एक वेव फ्रंट, अलग अलग वेव फ्रंट नहीं, थर्ड और फोर्थ वेव फ्रंट नहीं, ओनली अ पर्टिकुलर वेव फ्रंट. नाउ व्हाट हैपेंस? अगर ये वेव फ्रंट S1 और S2 से स्ट्राइक कर रही है, क्या होगा? अगेन यू विल दीज S1 एंड S2 बिहेव्स लाइक ए सोर्स. एक सोर्स की तरह काम करेंगे. इट प्रोड्यूसेस अगेन वेव फ्रंट्स. और ये वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए, दिस ऑल्सो, दिस सोर्स S2 ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेव फ्रंट. एंड दीज वेव फ्रंट विल ट्रेवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. लेट the distance between the two slits is d, small d. Small d हमने दो slits के बीच का distance लिया. And this is a screen. This is a screen. And screen is kept at a distance of capital D. See, in slit से स्लिट से स्क्रीन कैपिटल डी डिस्टेंस पर रखा हुआ. तो जब ये वेव फ्रंट आगे जा रही हैं, अब ये वेव फ्रंट देखिए, ये दोनों वेव फ्रंट S1 और S2 अब ये कोहरेंट सोर्सेस की तरह काम करेंगे. S1 और S2 कैसे? दोनों वेव फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं. आपने एक वेव फ्रंट से ही इन दोनों को प्रोड्यूस किया है. सेम फ्रिक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, एम्पलीट्यूड सेम होगा और फेज डिफरेंस भी ऑलमोस्ट सेम होगा, या ये कहें कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा. ये दो, इस तरह की ये दोनों वेव्स हमको मिलेंगी और ये दोनों वेव्स आगे जा रही हैं. क्लियर? अब ये दोनों वेव्स आगे जा रही हैं. जब ये दोनों वेव्स, स्टूडेंट्स, आगे जाएंगी, आप देखें, जब ये आगे जा रही हैं, दिस इज अनदर वेव फ्रंट, दिस इज अनदर वेव फ्रंट. अब ये दोनों वेव फ्रंट मीट कर रही हैं. ओके, या तो इनका मैक्सिमा या मिनिमा, क्रस्ट या ट्रफ, ये मीट करेंगे. लेट स्क्रीन पर, दिस इज द सेंटर पॉइंट, पॉइंट ओ, दिस इज द सेंटर पॉइंट. नाउ
दीज टू वेव्स फ्रॉम एस वन एंड एस टू ये यहाँ मिलती हैं, लेट दे आर मीटिंग एट द पॉइंट पी वन लाइक दिस. ठीक, पी वन पर ये कहीं भी मिल सकती है, यहाँ भी मिलेंगी, यहाँ भी मिल सकती हैं, यहाँ भी मिल सकती हैं, यहाँ भी. तो स्क्रीन पर अभी हमने एक पॉइंट लिया पी वन. अब आप देखें लाइट वेव एस वन पी जा रही है और एस टू पी जा रही है, ओके. और अभी हमने जो पी वन का डिस्टेंस लिया है, लेट डिस्टेंस इज एक्स एन. एक्स एन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट. ये पैरेलल बीम, यहाँ से आपने पैरेलल बीम, ये डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, दिस डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस इसी डी के बराबर होगा, यानी सेंटर से ये डी बाई टू होगा और ये भी डी बाई टू होगा फ्रॉम द सेंटर, ओके. सेंटर से डी बाई टू, क्योंकि ये पूरा डी है, पैरेलल लाइन बनाया है हमने. अब आप डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें, लाइट वेव जा रही है एस वन पी और एस टू पी, ये दो लाइट वेव जा रही हैं. इन दोनों लाइट वेव्स में पाथ डिफरेंस है या नहीं है? यस, पाथ डिफरेंस इज देयर. किसका कौन ज़्यादा पाथ, ऑप्टिकल पाथ कवर कर रहा है? एस टू पी कवर्स मोर ऑप्टिकल पाथ देन एस वन पी, राइट. दिखाई दे रहा है आपको, साफ दिख रहा है, एस टू पी का ऑप्टिकल पाथ ज़्यादा होगा, एस वन पी का ऑप्टिकल पाथ कम होगा. इनमें क्या आ गया, पाथ डिफरेंस. सबसे पहले स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. अगर पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू, जैसा अभी हमने जस्ट बताया, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू के बराबर होता है, तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा. मैक्सिमा का मतलब इस पॉइंट पी पर हमको ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट कलर मिलेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड वहाँ पर जुड़ जाएगा. और अगर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू पाथ डिफरेंस, वहाँ क्या मिलेगा, डार्क. क्यों डार्क, क्यों, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड लगभग सेम है. तो ए वन माइनस ए टू कितना होगा, जीरो होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. पॉइंट पी पर आपको जीरो मिलेगा, डार्क मिलेगा, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड घट गया. इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, एम्पलीट्यूड माइनस हो गया, वहाँ डार्क मिलेगा डिस्ट्रक्टिव में, अगर पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल हुआ, राइट. तो सबसे पहला काम हमारा क्या निकालना हुआ, पाथ डिफरेंस, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस. तो पाथ डिफरेंस विल बी हाउ मच, इट इज एस टू पी माइनस एस वन पी, दिस इज द पाथ डिफरेंस. एस टू पी में से एस वन पी घटा दीजिए, इसको हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस भी बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस. नाउ हाउ कैन यू कैलकुलेट एस टू पी, ये देखिए, सी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, लेट इट इज एल, इट इज एम, ठीक है. अब आप राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए, एस टू पी एम सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए. हम एस टू पी निकालना चाहते हैं, सबसे पहले हमको यूज़ राइट एंगल ट्राइंगल एस टू पी एम, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, एस टू पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, पी एम स्क्वायर प्लस एस टू एम स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने, ठीक है. नाउ व्हाट इज पी एम स्क्वायर, पी एम दिस इज एक्स एन,
एक्स एन में डी बाई टू और जोड़ दीजिए, सेंटर से यहाँ तक एक्स एन है, इसमें और डी बाई टू जोड़ दिया तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, एक्स एन प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर प्लस एस टू एम, एस टू एम कितना है कैपिटल डी स्क्वायर, राइट, दिस इज एस टू पी स्क्वायर, लेट इट इज इक्वेशन नंबर वन। अब एस वन पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूज ट्राइंगल एस वन पी एल, राइट एंगल ट्राइंगल एस वन पी एल, ये देखिए कैसे निकालेंगे, यूज पाइथागोरस थ्योरम, एस वन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस वन इज इक्वल्स टू एल पी एल स्क्वायर प्लस एस वन एल स्क्वायर, ठीक है, पी एल स्क्वायर देखिए परपेंडिकुलर, तो इसका क्या होगा, दिस डिस्टेंस इज एक्स एन, ये डी बाई टू है, एक्स एन में से डी बाई टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको ये रिमेनिंग मिलेगा, कितना मिलेगा, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी एल, पी एल हो जाएगा एक्स एन माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर प्लस एस वन एल स्क्वायर, इट इज डी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, दिस इज एस वन पी स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस, सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम फर्स्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें से क्या होगा स्टूडेंट्स, एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर, दिस माइनस दिस, दिस इज एक्स एन प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस एक्स एन माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर एंड डी स्क्वायर हेयर, डी स्क्वायर हेयर ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस करेंगे ना तो ये माइनस डी स्क्वायर होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्या मिलेगा, इसको ओपन करिए स्टूडेंट्स, एक्स एन स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर प्लस टू एक्स एन डी बाई टू, टू एक्स एन डी बाई टू मिलेगा, तो टू एक्स एन डी बाई टू को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको एक्स एन स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, यहाँ से भी मिलेगा एक्स एन स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन लगा हुआ है, ये होगा टू एक्स एन डी बाय टू प्लस टू एक्स एन डी बाय टू, ओके, ये बचेगा सिर्फ आपको, बाकी रिमेनिंग पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस आएगा लेकिन ये प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज दिस कैन बी रिटन एज टू एक्स एन डी, ओके, टू एक्स एन डी, दिस इज द दिस वैल्यू एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एस टू पी प्लस एस वन पी, एस टू पी माइनस एस वन पी इज इक्वल टू दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान रखिए जो प्रैक्टिकल आप करते हैं उसमें और यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये जो d है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स स्टूडेंट्स, ये लगभग मिलीमीटर रेंज का होता है, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, ये हम यूज़ करते हैं, कैपिटल D इन मीटर्स, नॉट लेस देन 1 मीटर, 2 मीटर, मे बी 3 मीटर, लाइक दिस। तो अब आप देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस मिलीमीटर्स में 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर, 3 मीटर, तो ये अरेंजमेंट आप प्रैक्टिकल सोचिए, ये डिस्टेंस मैं इस तरह से बनाऊं, ये स्लिट्स हैं, दीज आर द टू स्लिट्स, और ये स्क्रीन, दिस इज अ स्क्रीन, दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन, ये स्लिट्स हैं, वो स्क्रीन है,
अब यहाँ से लाइट को, दिस इज एस वन दिस इज एस टू, यहाँ से लाइट को जाने दीजिए और इन पर मिलने दीजिए, इन पर मिलाइए, ये क्या हो रहा है यहाँ, ये एस वन पी और एस टू पी ये ऑलमोस्ट कैसे हैं, सेम है, और ये डिस्टेंस लगभग कितने के बराबर है, कैपिटल डी, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये डिस्टेंस बच्चों बहुत ज़्यादा है, ये डिस्टेंस बहुत कम है। तो आपको यहाँ पर देखिए, आप सी दिस डायग्राम, एस वन पी और एस टू पी आपको लगभग एक जैसी दिखाई दे रही हैं, एग्जैक्ट एक जैसी नहीं है बल्कि एक जैसी हैं। तो एस टू पी माइनस एस वन पी, इनका जो सब्सट्रैक्शन होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, एक बात का ध्यान रखिए, जीरो नहीं होगा, नॉट एग्जैक्टली सेम, एस वन पी और एस टू पी एग्जैक्टली सेम नहीं है, लगभग बराबर हैं, तो इनका सब्सट्रैक्शन कैसा होगा, वेरी नेग्लिजिबल, और ये भी लगभग बराबर होंगे, ऐड तो हो सकते हैं, जो कि किसके बराबर हैं, देखिए आप कैपिटल डी, ये भी लगभग कैपिटल डी के बराबर, ये भी कैपिटल डी के बराबर, ओके, इस बात का ध्यान रखिए। ये एक्सप्लेनेशन में एज एस वन एज कैपिटल डी इज मच ग्रेटर देन डी, बहुत ज़्यादा है, कल्पना करिए, तो एस वन पी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एस टू पी, ये ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ठीक है, तो देयरफोर एस टू पी माइनस एस वन पी इज नेग्लिजिबल, बहुत कम होगा, लेकिन आप इसे ज़ीरो नहीं रख सकते, एज इट इज़ रहेगा, इसको आप कैपिटल डी ज़रूर रख सकते हैं, इसको आप कैपिटल डी ज़रूर रख सकते हैं, ठीक है, तो इसे अगर आप कैपिटल डी रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टू डी हो जाएगा, ओके, दिस इज डी, ये लगभग डी के बराबर है, यहाँ देखिए ये डी के बराबर है, ये डी, यहाँ डी डी नहीं रख सकते, कैपिटल डी नहीं रख सकते, ज़ीरो हो जाएगा, इसको एज इट इज़ रखिए, एस टू पी माइनस एस वन इज इक्वल्स टू हाउ मच, टू एक्स एंड डी, तो वट इज एस टू पी माइनस एस वन पी, एस टू पी माइनस एस वन पी इज इक्वल्स टू टू एक्स एंड डी अपॉन टू डी, और एक्स एंड डी अपॉन डी, दिस इज एस टू पी माइनस एस वन पी, एंड वाट इट इज अ पाथ डिफरेंस, देख क्या था ये, दिस इज अ पाथ डिफरेंस, ये आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स एंड डी अपॉन डी, एक्स एन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट पी, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस ऑफ द टू स्लिट्स, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, तभी इसको आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन, दिस वॉज द पार्ट डिफरेंस, नाउ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, व्हाट डज इट मीन, दिस मीन्स दैट कि अगर पॉइंट पी पर हमको क्या मिल रहा है, ब्राइट कलर मिल रहा है, ब्राइट कलर का मतलब क्या है, सुपरपोजिशन कैसा हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव, जो भी हमने लास्ट वीडियो में बताया, सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव, फेस डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पार्ट डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू, ये क्या चीज़ है बच्चों, व्हाट इज इट,
पार्ट डिफरेंस। तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस है, जो S2P माइनस S1P, ये जो पाथ डिफरेंस है कितना, xn d/d, ये किसके बराबर होना चाहिए? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ध्यान रखिए, यही होना चाहिए ना, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। यहाँ से आप xn निकालिए, xn आ जाएगा कितना, n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, xn यही रहने दीजिए, डी यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, एन लेमडा डी अपॉन, दिस इज xn। व्हाट डज इट मीन, क्या निकला ये? ये निकला है बच्चों डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, कहाँ से, ओ से, सेंटर पॉइंट ओ से पी तक का कौन सा फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट कलर, ओके, ब्राइट कलर का डिस्टेंस मिला हमें। एक बात का आप ध्यान से समझिए, ये हमें यहाँ ब्राइट मिला, अगर हमको कौन से नंबर का ब्राइट मिला, कौन से नंबर का, एन नंबर का ब्राइट मिला, और उस एन नंबर का ब्राइट का डिस्टेंस सेंटर से एक्स एन है, इस बात का, इस लाइन का ध्यान रखिए, व्हाट इज एक्स एन, एक्स एन इज द एनथ नंबर ऑफ डिस्टेंस फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से nth नंबर की ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस है ये xn, क्योंकि हमने यहाँ कौन सी कंडीशन ली है, मैक्सिमा, इस n नंबर की फ्रिंज ये हो गई, कौन सी फ्रिंज, ब्राइट, ध्यान रखिए, नेक्स्ट ब्राइट की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, नेक्स्ट ब्राइट पहले कितनी होगी, अभी n है ना, अगला ब्राइट कितना होगा, n प्लस 1 होगा, नेक्स्ट ब्राइट एन प्लस 1, और उसकी दूरी कितनी होगी, एक्स एन प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एक्स एन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की एक्स एन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, एक्स एन प्लस 1, होगी कि नहीं होगी, एन प्लस 1, एक्स एन प्लस 1। तो नेक्स्ट ब्राइट हम किसकी बात करें, ये तो nth ब्राइट हो गया, फॉर नेक्स्ट ब्राइट, नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज यानी स्ट्रिप एक्स एन प्लस 1, एन की जगह जहां जहां आपको दिख रहा है उसे आप एन प्लस 1 रखिए, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक, यहाँ से यहाँ तक एक्स एन प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक एक्स एन, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी कितनी होगी, दो ब्राइट के दूरी आपस में, इसमें से इसको घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, अगर हम एक्स एन प्लस 1 में से एक्स एन घटा दें तो ये सबसे पहले मिलेगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, तो घटाइए एक्स एन प्लस 1 में से इसे घटाइए, तो ये मिलेगा हमको एन प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन डी माइनस एन लैम्डा डी अपॉन डी, ओके, ये मिलेगा हमें फ्रिंज विड्थ किसके बीच का, मैक्सिमा या विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, एक ही बात है, मैक्सिमा विड्थ, डब्ल्यू मीन्स विड्थ, किस किस के बीच में, दो मैक्सिमा के बीच में या दो ब्राइट के बीच में, घटाइए इसको, घटाने पर हमको क्या मिलेगा, लैम्डा डी अपॉन डी, दिस इज द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज,
बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस लैम्डा डी अपॉन डी। याद रखिए स्टूडेंट्स, दो ब्राइट के बीच की दूरी, दो ब्राइट कलर्स की जो पट्टियां हैं, फ्रिंजेस हैं, उनके बीच की दूरी कितनी होगी? लैम्डा डी अपॉन डी। क्लियर? ये अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? दिस कंडीशन फॉर द मैक्सिमम। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंडीशन ऑफ मिनिमम। अगर पॉइंट पी पर, अभी हमने क्या देखा, क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, मैक्सिमा। अगर पॉइंट पी पर मैक्सिमा ना हो, मिनिमा हो, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो अगर कंडीशन मिनिमा की है तो वहां पर क्या मिलेगा? सबसे पहले आप इसे लिखें, नाउ द कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, ओके, वी विल स्टडी अबाउट द कंडीशन ऑफ मिनिमा। कंडीशन ऑफ मिनिमा इज, सबसे पहले तो पाथ डिफरेंस, जो जैसा वहां किया था सेम यहां पर। पाथ डिफरेंस देखिए कितना था, पाथ डिफरेंस इज एक्स एंड डी अपॉन कैपिटल डी। मिनिमा की कंडीशन क्या है बच्चों? पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू, दैट इज एक्स एंड डी अपॉन डी शुड बी इक्वल्स टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू। क्लियर? यहां से एक्स एन निकालिए, एक्स एन क्या मिलेगा? एनथ नंबर की डार्क फ्रिंज मिनिमा है ना, ए वन माइनस ए टू होगा, क्या मिलेगा? डार्क मिलेगा। एनथ नंबर का डिस्टेंस है, एनथ नंबर के डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस मिलेगी सेंटर से। ध्यान रखिए ये क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ एनथ नंबर ऑफ फ्रिंज, nth number of dark fringe from center। इसी तरह से वहां क्या था, nth number की bright fringe की दूरी। ओके, तो xn is equals to क्या मिलेगा, यहां से सॉल्व करिए, 2n plus 1 lambda d upon 2d, ये मिला, एक्शन मिल गया। अब अगर यहां पर nth नंबर की डार्क फ्रिंज है तो अगला डार्क का नंबर क्या होगा, n प्लस वन, जैसा ब्राइट में किया था। तो नेक्स्ट डार्क कितना होगा, नेक्स्ट डार्क डिस्टेंस फ्रॉम ओ, नेक्स्ट डार्क का डिस्टेंस, नेक्स्ट डार्क का मतलब n की जगह क्या रखोगे स्टूडेंट्स, n प्लस वन, एक्स एन प्लस वन कितना हो जाएगा, ये एन की जगह एन प्लस वन रखो तो ये हो जाएगा टू एन प्लस थ्री, ये एन की जगह एन प्लस वन रखोगे तो एन टू एन प्लस टू, और वन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो टू एन प्लस थ्री हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन टू डी। दो डार्क के बीच का डिस्टेंस एक्स एन प्लस वन में से एक्स एन घटा दीजिए, कितना मिलेगा, दो डार्क, अभी हम डार्क की बात कर रहे हैं, मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस, टू डार्क फ्रिंजेस कितना होगा, एक्स एन प्लस वन में से एक्स एन घटा दीजिए, घटाइए स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा हमें, एक्स एन प्लस वन में से एक्स एन घटा देंगे तो हमको मिलेगा, इसमें से इसे घटाइए क्या मिलेगा, देखिए टू एन प्लस वन अगर हम इसको करें तो ये भी टू एन प्लस वन लैम्डा डी अपॉन टू डी, तो अकेला सिर्फ हमको मिलेगा टू लैम्डा डी अपॉन टू डी, टू लैम्डा डी अपॉन टू डी, यानी कि क्या मिलेगा,
लैम्डा डी अपॉन डी। ओके, क्या था स्टूडेंट्स, ये क्या मिलेगा? विड्थ बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस, बिटवीन टू मिनिमा, या फ्रिंज विड्थ ऑफ टू डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, ये क्या कंक्लूड हम यहां से करते हैं? ये हम कंक्लूड करते हैं कि डार्क फ्रिंज के बीच का विड्थ कितना है, लैम्डा डी अपॉन डी। ब्राइट फ्रिंज का विड्थ, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच की, अभी इसके पहले निकाला था ब्राइट, कितना था, लैम्डा डी अपॉन डी। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, दोनों सेम निकला, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, दो कंसेक्यूटिव डार्क, अभी हमने डार्क के बीच में, दो कंसेक्यूटिव डार्क या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट कलर्स के बीच में दूरी बराबर रहेगी। मतलब स्क्रीन पर कैसा दिखाई देगा स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको इस तरह का दिखेगा, जैसे यहां पर ये ब्राइट हो गया, अगला डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। आपको यहां क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, एक बहुत ही सुंदर सी स्ट्रिप्स दिखाई देंगी, स्ट्रिप ब्राइट कलर की पट्टी दिखाई देगी, डार्क कलर की पट्टी, ब्राइट डार्क। क्योंकि देखो बच्चों, अगर एक ब्राइट है तो अगला डार्क जरूर होगा, एक ब्राइट है तो अगला डार्क जरूर होगा, क्योंकि देखिए ये जो पार्ट डिफरेंस है, जो भी पार्ट डिफरेंस आपने लिया है वो पार्ट डिफरेंस आप देखें, इस तरह का आपने यूज़ किया है, या तो यहाँ पर 2n+1 है, xn देखिए, xn जब आपने यहाँ ऑड के लिए निकाला, मिनिमा के लिए निकाला, या तो यहाँ ऑड आएगा या इवन आएगा, क्लियर बात, नंबर या तो ऑड आएगा या इवन आएगा, तो ऑड आएगा तो क्या मिलेगा, डार्क, इवन आएगा तो क्या मिलेगा, ब्राइट, और नंबर तो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहाँ जहाँ इवन आते जा रहे हैं, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है वहाँ पर आपको ब्राइट मिलता जाएगा, जहाँ जहाँ ऑड आता जा रहा है, आएगा ही, वहाँ वहाँ क्या मिलता जाएगा, डार्क मिलता जाएगा। तो आपको बहुत सुंदर सी स्ट्रिप्स दिखाई देंगी, ब्राइट डार्क लाइक दिस, दिस इज़ इंटरफेरेंस पैटर्न, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा होगा स्टूडेंट्स, सेम होगा। डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्राइट फ्रिंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है ये, लैम्डा डी अपॉन डी, ये कैपिटल डी, ध्यान रखिए ऊपर ये डिस्टेंस है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ऐसे याद रखिए, नहीं तो एग्जामिनेशन में ये डी ऊपर लिखाएंगे, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ऐसे बोलिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस या ये दो डार्क के बीच का डिस्टेंस, दोनों कैसे हैं, सेम है, फ्रिंज विड्थ दोनों की सेम होती है। अगर आप इनका ग्राफ बनाएं, देखिए सेंटर से ऊपर जाएं या सेंटर से नीचे भी जाएं, क्योंकि अभी आपने देखा पॉइंट पी ऊपर हमने लिया, नीचे भी ले सकते हैं, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं बच्चों, तो सबसे पहले तो आप इसे नोट करिए, ग्राफ अभी बना रहे हैं, इसको नोट करिए, If I will draw the graph, then this is the graph, this is O, center point O, ठीक है, central fringe bright fringe होगी, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर path difference
नहीं होगा। ध्यान रखिए, ये लाइट ऐसे जा रही है सेंटर पर, यहाँ से यहाँ जा रही है और यहाँ से यहाँ जा रही है। केवल इस कंडीशन को छोड़ हर जगह पाथ डिफरेंस होगा। सेंटर में देखो, आप देखिए सेंटर, अगर आप बनाएं सेंटर लाइन, आप अगर बनाते हैं, ये देखिए ये जा रही है, ये जा रही है, क्या दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस होगा? नो। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? पाथ डिफरेंस नहीं है, एन इज, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? ध्यान रखिए, पाथ डिफरेंस अभी आपने निकाला था ना, एक्स एंड डी अपॉन कैपिटल डी, पाथ डिफरेंस याद करिए, एक्स एंड डी अपॉन कैपिटल डी। तो ये जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस कैसा था? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू, पाथ डिफरेंस एक्स एंड डी अपॉन कैपिटल डी निकाला, और ये था इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू मैक्सिमा के लिए, और मिनिमा के लिए क्या था? एक्स एंड डी अपॉन डी इज इक्वल्स टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू, ये है मिनिमा के लिए। जहाँ बच्चों एन क्या था? एन जीरो वन टू थ्री एंड सो। अब आप जो मैं ये बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। सेंटर पॉइंट पर अगर ये दोनों लाइट मिलती हैं, पाथ डिफरेंस जीरो, राइट? यानी कि ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ठीक है, अभी तो हमने ले लिया। अब ये देखना है कि ब्राइट मिलेगा या डार्क मिलेगा, या ये मिलेगा या ये मिलेगा, कौन सा मिलेगा देखना। एन इज इक्वल टू जीरो रखिए, सबसे पहले एन जीरो रखोगे तो यहाँ पर एन जीरो रखोगे, ये मिलेगा सिर्फ लैम्डा बाय टू, पाथ डिफरेंस कितना? लैम्डा बाय टू मिलेगा इधर, और इधर क्या मिलेगा? एन जीरो रखिए, ये जीरो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, यानी क्या मिलेगा यहाँ? मैक्सिमा। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, पाथ डिफरेंस जीरो है, राइट? सेंटर पर ये जीरो कर दिया, इवन मल्टीपल यहाँ था, ऑड मल्टीपल यहाँ, एन जीरो रखिए स्टार्टिंग नंबर वन, पहला नंबर कौन सा है? जीरो, जीरो रखिए, ये जीरो रखेंगे तो अकेला बचेगा लैम्डा बाय टू, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू है क्या? दोनों के बीच में लैम्डा बाय टू है क्या? नहीं है, पाथ डिफरेंस जीरो है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसलिए सेंटर पर हमेशा हमको क्या मिलेगा? ब्राइट फ्रिंज। नाउ इफ यू विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, देन हाउ कैन यू ड्रॉ द ग्राफ? दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ओ, एंड नाउ सी द विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज लैम्डा डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एंड द विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, बोथ आर सेम। नंबर वन, सेंट्रल इज द मैक्सिमम, जस्ट यू हैव सीन दिस सेटिस्फाई द कंडीशन, पार्ट डिफरेंस जीरो है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? दिस कंडीशन फर्स्ट विल सेटिस्फाई, लेफ्ट हैंड साइड इज जीरो, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो जीरो, मीन्स सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होगी। Central fringe is bright. This is the bright fringe. And again, if it is bright fringe, next number is 1, which is odd, bright, next 2, 3, 4, like this. तो अगर ये bright fringe है तो अगला dark होगा, फिर अगला क्या होगा students? Bright होगा, फिर next क्या होगा? Dark के बाद फिर bright होगा। ऐसे ही ओ से ऊपर जाएं या ओ से नीचे जाएं, तब भी हमको सेम कंडीशन मिलेगी। ये क्या शो हो रहा है स्टूडेंट्स? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू डार्क फ्रिंजेस, विच इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, दो डार्क के बीच में है। ये क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? व्हाट इज इट? दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्राइट फ्रिंजेस, ये भी कितना है? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यानी दिस इज़ द इंटेंसिटी एंड दिस इज़ द डिस्टेंस, दिस इज़ द डिस्टेंस।
आइदर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम द दिस साइड. तो दो ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस और दो डार्क फ्रिंज का विड्थ हमेशा इक्वल होगा, ओके, और सेम इंटेंसिटी की होंगी. दिस इज द ग्राफ शोइंग द डिस्टेंस एंड द इंटेंसिटी फॉर द फ्रिंजेस, ओके.